जी बहन सवाल कीजिए। ब्रदर आई एम अमृता एंड आई एम एन इंजीनियर वेल आई बिलीव इन वन गॉड एंड आई ट्राई नॉट टू कमिट सिंस सो माय क्वेश्चन इज दैट इज इट नेसेसरी टू बी अ मुस्लिम रादर देन टू बी अ गुड इंडिविजुअल। बहन ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि मैं मानती हूँ कि खुदा है, मैं गुनाह नहीं करती हूँ, क्या जरूरी है मुसलमान बनना कि सिर्फ एक अच्छा इंसान बने काफी है? बहन, मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो मुसलमान बन ही नहीं सकते। मैं आपको मिसाल दूंगा। क्या आपने कहा जैसे अच्छा इंसान बनना होता है 10th स्टैंडर्ड पास करना, मुसलमान बनना मतलब पोस्ट ग्रेजुएट PhD। तो अगर आप PhD है तो स्कूल पास बनना फर्ज है। स्कूल पास करेंगे फिर आप कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो इस्लाम मतलब PhD, डॉक्टरेट। आम अच्छा इंसान मतलब स्कूल पास करना। इस्लाम के तालीमात में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। आप मीडिया पे शायद देखते होंगे कि इस्लाम में ये गलत है, इस्लाम में ये गलत है, लेकिन ये सिर्फ मीडिया गलत फहमियां फैला रही है। इस्लाम की तालीमात में एक भी ऐसी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन इस्लाम में ऐसी कई तालीमात है जो इंसानियत में नहीं है। इसीलिए मुसलमान के मानी क्या? मुस्लिम मानी वो शख्स जो अपनी जिंदगी को अपने खालिक, अपने बनाने वाले के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता हो। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा खालिक है, जो हमारा पैदा करने वाला है, हमारे बनाने वाला है, उसकी हम इबादत करें, उसका शुक्रिया अदा करें और उसके मुताबिक हम जिंदगी बसर करें। मिसाल के तौर पे आप जब बीमार होती है तो आप किसके पास जाती है? किसके पास जाती है आप? डॉक्टर। किसके पास? डॉक्टर। डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज्यादा जानता है। उसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह हमारे बारे में ज्यादा जानता है। तो ये आखिरी किताब, आखिरी कलाम कुरान मजीद हमारे लिए एक पैगाम है इंसानियत के लिए, किस तरीके से अच्छा इंसान बनना, किस तरीके से सही काम करना, किस तरीके से अच्छे काम करना। तो ये आखिरी पैगाम कुरान मजीद हमें सिखाता है अच्छा इंसान बनना। लेकिन अच्छा इंसान बनना काफी नहीं है, अच्छा इंसान बनने के अलावा हमें ईश्वर की इबादत करना चाहिए। क्योंकि इंसानियत जो हम जानते हैं वो एक हमारे तजुर्बे के जरिए हमें कुछ चीज़ पता चलती है, लेकिन हमारा खालिक, हमारा बनाने वाला, जिस तरीके से डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज़्यादा जानता है, अल्लाह सुबहाना व तआला खुदा सारे डॉक्टर से और ऊंचा है। वो जानता है क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे बुरा है। मिसाल के तौर पे इंसानियत के लिहाज से शराब पीना बुरा नहीं है। शराब पीना इंसानियत के लिहाज से बुरा नहीं, लेकिन इस्लाम के मुताबिक सूरह मायदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नमल खमरु वल मैसरु मोस्ट सर्टेनली इंटॉक्सिकेटेड गैम्बलिंग वल अंजाबु वल असलामु, जुआ खेलना और फांसे फेंकना और शराब पीना, रिश्त मन मिली शैतान, ये शैतान के हटकंडे, फर्स्ट नहीं बोला लोकम तो फ्लून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। यहां हमें हिदायत मिल रही है कि शराब मत पियो। आज की तहकीक ये कहती है कि शराब पीने से सबसे ज्यादा मौत होती है। जो चीज खाने में सबसे ज्यादा मौत इंसान को देती है वो नंबर 1 है शराब। हर साल करोड़ों लोग मर रहे सिर्फ शराब पीने के वजह से। आज की तहकीक कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं अक्सर 80% से ज्यादा जो बलात्कार करता है या जिसपे बलात्कार होता है या दोनों शराब की हालत में होते। तो शराब पीने से बलात्कार बढ़ता है, जनाबिल जब्र बढ़ता है। शराब पीने पर तकरीर कर सकता हूं। तो ये आपको इंसानियत में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम मुस्लिम इंसानियत से ऊंचा है और ऐसी कोई बात नहीं इस्लाम में जो इंसानियत के खिलाफ है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि सिर्फ स्टैंडर्ड 10 पास करना अच्छा है क्या PhD करना अच्छा है? PhD ऑफ कोर्स। PhD। तो इसलिए सिर्फ आम इंसान बनना अच्छा है क्या अच्छा मुसलमान बनना अच्छा है?
आम इंसान? एक अच्छा इंसान बनना सिर्फ अच्छा है कि एक अच्छा मुसलमान बनना और अच्छा है? अच्छा इंसान बनना मोर अच्छा इंसान अच्छी बात है, स्टैंडर्ड 10 पास करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, लेकिन मैंने पूछा स्टैंडर्ड 10 बेहतर है कि पीएचडी? तो आपने कहा स्टैंडर्ड 10 पास करने के बाद ही तो पीएचडी कर पास। बिल्कुल सही, तो अच्छा इंसान बनने के बाद ही मुसलमान बन सकते। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो मुसलमान बन ही नहीं सकते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप अच्छे इंसान तो है, आप मुसलमान बनना चाहेंगे? हाँ। आप एक खुदा में मानते? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा ईश्वर अल्लाह एक है? यस। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? आइडल वर्शिप। यस। आप मानते बुत परस्ती गलत है? या। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ईश्वर उस अल्लाह के पैगंबर है? यस यस। आप मानते हैं, माशाल्लाह। तो आप अच्छे इंसान तो है, मैं चाहूंगा आप अच्छे मुसलमान बने। आप जब मानते एक खुदा में, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, तो मेरे नजदीक आप मुस्लिम हैं। आप मुस्लिम बनना चाहोगे? Yeah, I'm studying Islam. आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे? आप मानते हैं कि खुदा एक है, आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, तो आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे आज? No, I'm studying Islam right now. तो आप इस्लाम के बारे में और तहकीक करना चाहते? या, और I have to study more. इंशाल्लाह, तो आप तहकीक कीजिए। मैं दरख्वास्त करूंगा ख्वातीन के शोबे से कि कोई इस बहन को कुरान मजीद का तर्जुमा दे। आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इंशाल्लाह आप इससे हिदायत पाएंगे। और जब आपका दिल ये कहेगा कि ये सबसे बेहतरीन मजहब है, जब आपका दिल कबूल करेगा कि ये मजहब कबूल करने से आप और बेहतरीन इंसान बनेंगे, तो इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कि आप मुस्लिम बने और अल्लाह आपको हिदायत दे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।